हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा सापला मार्ग पर जिस विवाहिता मनीषा की मौत हुई थी, उस मामले में उनके पति मोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर जो मनीषा है, सैदपुर गांव की लड़की थी, जिसकी शादी वर्ष 2020 में रोहणा, जो अब खरखोदा रह रहे थे, मोहित के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 2.5-3 साल है दोनों की। तो इस मामले में जो उन्होंने आरोप लगाया था मनीषा के भाई मनीष ने, उसमें ननंद, सास, ससुर और उनके पति पर भी आरोप लगाए थे। दहेज हत्या के आरोप उन्होंने लगाए थे। इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, उसमें सामने आया कि भाई दम घुटने से मौत हुई थी। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के लिए विसरा भेजा जा चुका है, वो बाद में आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके जो मृतक है मनीषा, उनके पति मोहित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जिनको अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर जैसे जैसे जो रिपोर्ट आएगी, इस मामले में और गंभीरता से जांच बढ़ती जाएगी। अगर और किसी का भी दोष निकलेगा तो वे भी गिरफ्तार होंगे। फिलहाल इस मामले में एक ही गिरफ्तारी अभी की गई है। SHO अंकित कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D-4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।